हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम स्टडी। आई होप आप सभी ने पिछली वीडियोस देखी ली होंगी और साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाई रहे होंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बोलता हूं कि वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर है, कोई मैथ्स या साइंस नहीं, जो आप किसी भी टॉपिक को कहीं से भी रैंडम स्टार्ट कर लो। तो वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसका नाम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके वीडियो को सीक्वेंसली देखिए। आज के लेक्चर में हम वर्ब का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या काम करता है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम आज बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे, बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए। तो जैसे हम आज वर्ब का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो वर्ब क्या काम करता है, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स पढ़ रहे थे, अभी तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, नाउन का बेसिक पढ़ा, ये इन सबको कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसको कुछ ना कुछ काम होगा। जैसे नाउन का क्या काम होता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ठीक है, ये नाउन के काम होते हैं। और प्रोनाउन का क्या काम होता है, नाउन के जगह पे आना, नाउन की रिपीटिशन बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन के भी यही काम होते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। और एडजेक्टिव का बेसिक्स पढ़ा, उसमें हमने क्या बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। और एडवर्ब के बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और साथ ही साथ दूसरे एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर देता है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का बेसिक्स, ठीक है, वर्ब क्या काम करता है, वर्ब होता क्या है। थोड़ा मोटा आपको पता ही होगा कि वर्ब क्या होता है, जिसकी तीन फॉर्म होती है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको वर्ब बोला जाता है। बेसिकली वर्ब इन तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, डूइंग को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट कर देता है। अब डूइंग क्या होता है, डूइंग जो होता है वो किसी का कुछ करना, बेसिकली किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करना, उसको डूइंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंकित बॉट अ पेन, अंकित ने पेन खरीदा, ठीक है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, खरीदने का, इसमें कुछ एक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अंकित ने खरीदा, बेसिकली कर्ता के द्वारा कुछ किया जाना, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाना, ठीक है, एक्शन को एग्जीक्यूट करना, उसको क्या बोलेंगे, डूइंग, इसमें कुछ एक्शन होता है, ठीक है। वही वर्ब का एक और काम होता है, वर्ब बीइंग को भी रिप्रेजेंट कर देता है, जैसे लोकेश इज अ स्टूडेंट, लोकेश एक स्टूडेंट है, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, ही इज अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर है, इसमें देखो कुछ एक्शन तो नहीं हो रहा, पर हम क्या बता रहे हैं, बेसिकली लोकेश इज अ स्टूडेंट, लोकेश एक स्टूडेंट है, लोकेश के बारे में बता रहे हैं हम, इसमें कुछ एक्शन तो नहीं हो रहा, इसमें बस हम किसी को, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। बीइंग क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी के बारे में कुछ बताना, ठीक है, किसी का कुछ होना, उसको हम बीइंग के अंडर में लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब क्या होते हैं, जो इसमें कुछ एक्शन तो होता है पर इसको कोई परफॉर्म नहीं करता, जैसे डूइंग में कुछ एक्शन तो हो रहा है, उसको सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, अंकित सिंग्स अ सॉन्ग, अंकित ने गाना गाया, ठीक है, अब इसमें डूअर है अंकित, इसमें एक्शन तो हो रहा है और हमें पता भी है किसने एग्जीक्यूट किया। अब पर हैपनिंग वर्ब में अलग है, हैपनिंग वर्ब में एक्शन तो होता है पर कोई परफॉर्म नहीं करता उसको, मतलब कोई करता नहीं है, वो अपने आप घटना घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तूफान आ गया, अब किसने तूफान लाया, कौन लाया तूफान, तूफान तो हो गया, ठीक है, इसको कोई एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहा, ठीक, कह दो कि भगवान ने तूफान लिया है, ठीक है। इसमें हैपनिंग में क्या होता है, एक्शन तो होता है पर बेसिकली इसको कोई एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको कोई करता नहीं है, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को ब्रेक करके समझ लिया जाए, ठीक है, इनको ब्रेक करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, आप भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ब्रेक कर लीजिए, तो देखिएगा। अब सिंग क्या होता है, गाया, अंकित ने गाना गाया, ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन को ही तो वर्ब बोलते हैं, यहाँ पे गाना गाने का एक्शन हो रहा है, जिसकी तीन फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। अब और एक्शन का डूअर, एक्शन क्या हो रहा है, गाने का, कौन गा रहा है, अंकित, तो अंकित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रॉप, ठीक है। सिंग्स व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, ठीक है, रिसीवर जो एक्शन को रिसीव करते हैं, यहाँ पे काम को हो रहा है गाने का, क्या गाया जा रहा है, गाना, तो अंकित ने गाया, क्या गाया, गाना, तो गाना क्या है हमारे पास,
ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कौन करते हैं? नाउन करते हैं। ठीक है, ये नाउन है और टाइप क्या है इसकी? कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना। ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, जिसकी तीन फॉर्म, वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो वेंट क्या हो गया हमारे पास? वर्ब हो गया, गो, वेंट, गॉन। टू क्या होता है? टू प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। द क्या होता है? आर्टिकल। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट आते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखना। लोकेश इज अ स्टूडेंट, लोकेश क्या है? स्टूडेंट है। लोकेश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या होता है? वर्ब होता है। इसके बाद कोई वर्ब तो नहीं आ रही। ठीक है, इस क्या काम करता है? हेल्पिंग भी वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। बेसिकली बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है। अब इसके बाद कोई वर्ब तो आ नहीं रही, तो ये खुद ही मेन वर्ब है। ठीक है, अब बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसको क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने आपको बताया था हमेशा क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और नाउन है। ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली नाउन के लिए आते हैं, तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? ही इज अ क्रिकेटर। ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इज मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो उसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो गया? ये नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, क्रिकेटर क्या है? नाउन है। इतनी कहानी क्लियर है? बींग क्या रिप्रेजेंट करता है? बींग किसी के कुछ होने को, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है बींग। लोकेश इज अ स्टूडेंट, लोकेश क्या है? स्टूडेंट है। लोकेश और स्टूडेंट एक ही तो है। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। अब देखिएगा हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब क्या होता है? हैपनिंग वर्ब मैं आपको बता ही चुका हूं। हैपनिंग वर्ब क्या होते हैं? जिसमें कुछ एक्शन तो होता है पर इसको कोई परफॉर्म नहीं करता। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? डूइंग पढ़ लिया। डूइंग में एक्शन भी होता है, इसको कोई परफॉर्म भी करता है। डूइंग क्या होता है? किसी भी किसी के द्वारा किसी कार्य का किया जाना, किसी के द्वारा किसी कार्य को किया जाना। ठीक है, उसको डूइंग के अंदर में लिखेंगे। डूइंग में एक्शन होता है, बींग में एक्शन नहीं होता। बींग में क्या होता है? बेसिकली किसी का कुछ होना। ठीक है, लोकेश इज अ स्टूडेंट, लोकेश एक स्टूडेंट है। इसमें एक्शन नहीं होता। हैपनिंग वर्ब क्या होता है? जिसमें कार्य तो होता है, इसमें एक्शन तो होता है पर कोई करता नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अब कौन उगाता है? कोई उगाता है क्या? कोई नहीं उगाता। अब क्या तो भगवान जी, ऐसा होता है क्या? भगवान जी उगाते हैं। ऐसा होता है सुबह उठ के ही भगवान जी ने देखा भाई सूर्य सुबह हो गई, अब इधर से उधर हो जा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसमें एक्शन तो हो रहा है पर कोई कर नहीं रहा, बेसिकली अपने आप हो जाना। नेक्स्ट वाले से देखना। विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। विंटर स्टार्ट कब होते हैं? अक्टूबर के महीने में। अब पता चल जाता है क्या विंटर को कि अक्टूबर आ गई, हमें स्टार्ट हो जाना है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता, अपने आप ही होते हैं ये सब चीज। ठीक है, इसमें कोई करता तो है नहीं। अब बटन लगाया गया, विंटर स्टार्ट हो गई, अक्टूबर आ गया, बटन दबा दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होते हैं इसमें? एक्शन तो होता है हैपनिंग वर्ब में पर कोई करता नहीं है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखना। द ग्लास ऑफ वाटर स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। एक पानी का ग्लास उसके हाथ से छूट गया, उसने जानबूझ के छोड़ा क्या? वो तो बस छू गया, पकड़ के रखा था। अगर जानबूझ के छोड़ा होता तो क्या होता? द ग्लास ऑफ वाटर वॉज ड्रॉप्ड, को छोड़ दिया गया ना, तब उसमें ड्रॉप लिखा हुआ होता। स्लिप का मतलब क्या है? छूट जाना, मतलब इसमें एक्शन तो हो रहा है पर कोई कर नहीं रहा, अपने आप ही छूट गया। ठीक है, हैपनिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। इसको ब्रेक करके समझ लें। राइज, रोज, राइजन, जिसकी तीन फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है। इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी, इनको ब्रेक करके देखना। अब इसका यूज भी हम आगे वाले चैप्टर में लेने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद आपको पता ही है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है क्या जिसमें सब्जेक्ट ना आए? कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना आए। ठीक है, वर्ब तो आ गई, अब सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा?
सन ही करेगा। ठीक है, अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन का डूअर होता है। यहां पे अब आपने बोला कि एक्शन तो हो ही नहीं रहा, एक्शन तो हो रहा है पर किसको को परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब इसमें डूअर तो नहीं है। तो हैपनिंग वर्ब में जो होता है एक्शन होता है पर इसमें डूअर नहीं होता। इसमें बेसिकली सब्जेक्ट बनने का काम किस कौन बचा, और कोई बचा है क्या? तो सन ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। सूरज पूरब में उगता है, ठीक है। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहां पे सन, क्योंकि आप बोल सकते हो सूरज पूरब में उगता है, मतलब सूरज को ही उगाया जा रहा है। ठीक है, सूरज को उगाया जा रहा है ना, सूरज पूरब में उगता है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो हमें तो पता ही है बिना कोई कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जो बिना सब्जेक्ट का है, मतलब बिना सब्जेक्ट और वर्ब का है। तो सब्जेक्ट बनने का काम एक ही बज गया, सन, सन जो नाउन है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होते हैं जिस जो रिसीवर होते हैं जिसपे काम किया जाता है। अंकित सिंह सा सॉन्ग, अब अंकित ने गाया, क्या गाया, गाना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सूरज उगता है। इसमें तुम सब्जेक्ट ही बनाना है, इसे ऑब्जेक्ट मत बनाना। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, जिसकी तीन फॉर्म हो वर्ब। इन द मंथ, मंथ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नाउन हो जाएंगे, ये भी नाउन हो जाएगा। मंथ क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन, हर मंथ को मंथ बोल देते हो। ठीक है, अक्टूबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, अक्टूबर को ही अक्टूबर बोलते हो। ठीक है, विंटर, विंटर क्या हो जाएगा, अब विंटर सब्जेक्ट ही बच गया। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें सब्जेक्ट ना आए, सब्जेक्ट और वर्ब ना आए। ठीक है, तो विंटर क्या हो गया, विंटर स्टार्ट्स होते हैं कब, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, इसमें एक्शन तो हो रहा है पर बेसिकली इसको कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे अंकित सिंह सॉन्ग में एक्शन तो हुआ है गाने का, इसको परफॉर्म भी किया किसने, अंकित ने। सब्जेक्ट ही डूअर हो रहा है इसमें, इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं है सब्जेक्ट डूअर होने का। इतनी कहानी क्लियर है? ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। स्लिप, 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 स्लिप क्या होता है, वर्ब, जिसकी तीन फॉर्म वो वर्ब। इतनी कहानी क्लियर है? प्रीपोजिशन फॉर्म, हैंड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हर क्या हो जाएगा, इस हैंड पे पोजिशन बना रहा है, हैंड क्या है, नाउन ही तो है। हर हैंड, उसका हाथ, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे, नाउन पे पोजिशन बना दे, उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन बचा, सब्जेक्ट हो जाएगा ग्लास। ठीक है, नाउन द क्या है, आर्टिकल। पानी का ग्लास उसके हाथ से छूट गया, अगर जबरदस्ती छोड़ते तब तो एक्शन होता और उसको परफॉर्म भी किया होता, यहां पे तो छूट जाना। ठीक है, राहुल फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, राहुल फेल फ्रॉम द अपस्टेयर्स। ठीक है, तो राहुल सीढ़ियों से गिर गया। अब इसमें कुछ एक्शन तो हुआ पर इसको परफॉर्म किया गया किसी ने, राहुल ने अपनी मर्जी से गिरा गया। मजा आता है क्या राहुल को गिरने में, नहीं। तो एक्शन तो होता है इन चीजों में, हैपनिंग वर्ब में एक्शन तो होता है पर इसको कोई परफॉर्म नहीं करता। आई होप आप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सब कराने का मकसद क्या था, देखिए जरा, मैंने आपको इसके बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाना है, तो देखिए उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट से समझेंगे हम, डूइंग क्या होता है, डूइंग में ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, अंकित सिंह सा सॉन्ग। देखो सिंह वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, सिंह वर्ब को सॉन्ग ऑब्जेक्ट मिल गया, तो डूइंग में ऑब्जेक्ट होता भी है और डूइंग में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। ही वेंट टू द मार्केट, ये मार्केट ऑब्जेक्ट तो है पर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो डूइंग में ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता। वहीं बीइंग में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक्शन के रिसीवर होते हैं। अब जो कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा तो एक्शन रिसीव कैसे करेगा। ठीक है, और बीइंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता
बेसिकली हैपनिंग में कोई एक्शन हो रहा है क्या? एक्शन तो होता है, पर इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा रिसीवर है वो खुद ही सब्जेक्ट बन के बैठा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ठीक है। सन यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसको ऑब्जेक्ट मत बोलना, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैपनिंग वर्ब में भी नहीं होता, इतनी कहानी क्लियर है। ऑब्जेक्ट बेसिकली डूइंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें कैसे पता चलेगा? सेंटेंस पढ़ के, अंकित सिंह सा सॉन्ग, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब से वर्ड होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट ही तो होता है, तो सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि अब ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है या फिर ऑब्जेक्ट होगा इसका कि नहीं होगा। डूइंग में तो ऑब्जेक्ट होता भी है और नहीं भी होता, और बीइंग में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, हैपनिंग में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इतनी कहानी क्लियर है। इन चीजों का यूज मैं आप इसके बाद वाले टॉपिक में लेने वाला हूं, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा मेरे से आप बेझिझक पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक कहीं भी देखो जरा। अब हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन नीचे लिखवा दूंगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, इतनी कहानी क्लियर है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, कैसे पता चलेगा? सेंटेंस देख के। देखो अब इसको ब्रेक करके समझा देते हैं। दे सिंग अ सॉन्ग, पहले आपको मैं इसको सबका मतलब बता देता हूं। दे सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाते हैं। ही ऑलवेज सिंग्स इन द बाथ, ही ऑलवेज सिंग्स इन द बाथ, वो हमेशा ही गाना गाता है, वो हमेशा ही गाता है बाथरूम में, ठीक है, बात लेते हैं। वी सैंग फॉर आवर्स, हम घंटों गाते हैं, हमने घंटों गाया, गाते हैं नहीं, पास्ट का है, सिंग सैंग संग, सैंग क्या है, पास्ट फॉर्म है, हमने घंटों गाया, ठीक है। ही सिंग्स, वो गाता है, ठीक है। ही सिंग्स कब बोलोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंकित है, अब अंकित आपसे किसी ने पूछा अंकित तुम्हारा दोस्त है वो क्या करता है, अगर वो गाता होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ही सिंग्स, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं है कि मैं ये बताऊं कि ये कवाली गाता है, गाना गाता है, हिप हॉप कुछ भी, मैं क्या बोलूंगा, ही सिंग्स, ठीक है, वो गाता है। अब सिंग, सिंग क्या है, बेसिकली ये प्रॉपर सेंटेंस है, ये पूरे के पूरे प्रॉपर सेंटेंस है, ही सिंग्स, वी सैंग फॉर आवर्स, ये पूरे के पूरे क्या है, प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है। सिंग मतलब क्या होता है, गाओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें यू अंडरस्टूड है, यू हिडन है, ठीक है। सिंग गाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या काम करते हैं, ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। सिंग बोला गाओ, ठीक है, इसको बोलो ऑर्डर मान लो या फिर रिक्वेस्ट मान लो, गाओ। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में होता ही है अक्सर, जब स्कूल में थे तो कोई टीचर एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उसकी जगह में कोई और टीचर लेने के लिए आता है क्लास, तो क्लास लेने के लिए आया तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत ही थक चुके हैं और काफी देर से पढ़ रहे हैं, तो आज कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। सर्वी तैयार, सर्वी क्या बोलते हैं, चलो ठीक है कुछ एक्टिविटी कर लें, तो कोई बच्चे क्या बोलते हैं, वहां पे से पीछे से आवाज आती है, सर अंकित बढ़िया गाना गाता है, अंकित, और बच्चे बोलने लगे अंकित गाता है बहुत अच्छा गाना गाता है, तो टीचर क्या बोलता है, गाओ, ठीक है, अंकित बढ़िया गाना गाता है, सुना दे, गाओ, ठीक है। तो ये गाओ क्या है, ये सिंग ही तो है, गाओ, ठीक है। अब सिंग क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, बेसिकली इसमें यू हिडन है, ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें सब्जेक्ट ना आए, मैंने आपको बता ही चुका हूं, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना आए, इसमें सब्जेक्ट भी है, यू अंडरस्टूड है, ठीक है। इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता भी है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हो गई, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल आसान, सेंटेंस पढ़ के, सेंटेंस को ब्रेक करके, ब्रेक कर लें, इसे सबका मीनिंग पता चल गया, ठीक है। सिंग क्या होता है, सिंग सैंग संग, जिसकी तीन फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है, सिंग व्हाट, अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंग वर्ब का डूअर कौन है, दे, तो दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, दे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सॉन्ग क्या है, नाउन है, और टाइप क्या है इसकी, कॉमन है, ठीक है, दे पर्सनल प्रोनाउन है, ही क्या है सब्जेक्ट है, ही सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया वर्ब हो गया, ठीक है, सिंग सैंग संग जिसकी तीन फॉर्म होती है वो वर्ब होता है, इन क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, द क्या हो गया आर्टिकल हो गया, ऑलवेज सिंग्स, अब फ्रीक्वेंसी बता दी उसने, कब गाता है, हमेशा ही गाता है, ही ऑलवेज सिंग्स इन द बाथ, वो हमेशा ही बाथरूम में गाना गाता है, ठीक है, तो ऑलवेज ने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, हमेशा ही, ठीक है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया सिंग को, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसको एडवर्ब बोलते हैं, और टाइप क्या है इसकी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी सैंग फॉर आवर्स, हम गाते रहे घंटों भर, वी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, सैंग क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगी, सिंग सैंग संग, फॉर क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, इतने गाने के लिए रहे, ही सब्जेक्ट सिंग्स, ही सिंग्स वो गाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ये क्या है वर्ब है, देखना जरा कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें वर्ब नहीं आती, सब में वर्ब आ रही है, ठीक है, अब सब कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ना आए, अब सब्जेक्ट वर्ब आना कंपलसरी है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आएगी आएगी, देखो सब्जेक्ट वर्ब आ रही है, सब में वर्ब वर्ब आ रही है, सिंग 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 जो भी है, ठीक है, अब सिंग इस वाले में सब्जेक्ट नहीं आ रही, इसमें है तो सही पर वो हिडन है, यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, जब मैं गाओ बोलूंगा किसी को बोलूंगा ही, जो सुनने वाला होगा लिसनर उसको ही गाओ बोलूंगा, इससे पहले वाले में सब डिस्कस कर चुके हैं बेसिक का, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का, अब देखना ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मिला तो सिंग क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट मिल जाए उसको क्या बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, सिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, अब यहां पे सिंग को ऑब्जेक्ट मिला गया, ही ऑलवेज सिंग्स इन द बाथ, नीचे वाले सेंटेंस में ही ऑलवेज सिंग्स इन द बाथ में सिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला क्या, नहीं मिला, ये बात क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इनका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये यहां पे सिंग क्या हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट वाले में इसमें भी सेम सैंग वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब, इतनी कहानी क्लियर है, अब नेक्स्ट वाले में भी इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब, नीचे वाले में भी इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, पता कैसे चला ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट ना मिले तो वो इनट्रांजिटिव होती है, ठीक है, ये बेसिकली ये वाली, इसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा है ये क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इन बाकियों के उसमें नहीं मिल रहा, ठीक है, इस वाले में भी आप लगा सकते हो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ कवाली, तब उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है, कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, कोई वर्ब इनट्रांजिटिव भी हो सकती है, कुछ वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव भी एक्ट करती है, इनट्रांजिटिव भी एक्ट करती है, अब कुछ वर्ब होती है जो खाली इनट्रांजिटिव ही होती है, उसको वर्ब उसको ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं है, कुछ वर्ब होती है जिसको जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है उसको ऑब्जेक्ट देना ही देना होता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आना कंपलसरी है दे बॉट, अब मैं ऐसे बोल दूंगा क्या दे बॉट, बताना पड़ेगा क्या खरीदा, दे बॉट अ पेन, दे बॉट अ हाउस, इस बॉट वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब इस बॉट क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते दे बॉट, ठीक है, ही बॉट ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको इसको आपको बताना पड़ेगा ही बॉट व्हाट, ठीक है, तो बॉट क्या होती है बाय बॉट बॉट, ये क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल ले लो गो, अब कोई भी सेंटेंस बनाओ जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, बना के देखो ही गोस कुछ भी लगाओगे, ही गोस टू टेम्पल, देखो टेम्पल जा रहा है, ही गोस टू स्कूल, ठीक है, इसमें इसमें हमेशा इस वर्ब ये इनट्रांजिटिव होती है, गो वेंट गॉन, ये हमेशा क्या होती है इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, इतनी कहानी क्लियर है, अब इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांस देखो ट्रांस क्या होता है एक्शन का ट्रांसफर होना, ट्रांस से ही बना है, ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांस मतलब क्या होता है
एक्शन का ट्रांसफर होना, अगर एक्शन का ट्रांसफर हुआ तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ तो इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो गो वर्ब में जाने में कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या, ही गोस टू दिल्ली, ही गोस टू दिल्ली, वो चल रहा है ठीक है, वो जा रहा है कहीं भी जा रहा है ठीक है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब दे सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया, इसमें गाने का एक्शन हुआ, इसमें एक्शन का ट्रांसफर हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो उसके बाद हम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे इस चीज को, सभी को समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। अभी मैं क्या बताने वाला हूं आपको, देखो देखना जरा, अब देखिए एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको, जैसे ये दे सिंग अ सॉन्ग, दे के साथ तो हमने क्या लगाया है सिंग, और ही के साथ हमने क्या लगा रखा है सिंग्स, ही के साथ क्या लगा रखा है सिंग्स, तो कब सिंग लगाएं कब सिंग्स लगाएं, ये जनरली सिंगुलर और प्लूरल के बेस में है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाओगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगाओगे। इसका वाइस वर्सा कर लो, अगर वर्ब प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं ठीक है। तो सिंग क्या है, सिंग प्लूरल है, तो दे भी क्या है प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये हमारा क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या है सिंगुलर ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल हम वर्ब के सिर्फ फर्स्ट केस में कर सकते हैं, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में, इसको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब जो सिंगुलर प्लूरल होता है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिवाइड होते हैं। सिंग सैंग संग, सिंग और सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, सैंग सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म, इतनी कहानी क्लियर है। अब सिंगुलर कैसे करते हैं प्लूरल कैसे करते हैं, अब इतना तो पता चल गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो कब वर्ब सिंगुलर होती है कब प्लूरल होती है, अगर वर्ब वैसे ही लिखी हो बिना एस या ईएस के तो वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है, अगर वर्ब बिना एस या ईएस के लिखी होती है तो वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है ठीक है। अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हो तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, वर्ब क्या बन जाती है सिंगुलर बन जाती है। अगर आप एस या ईएस जोड़ दो, ही सिंग्स, जैसे बाय है, बाय में एस जोड़ दो बाइज ठीक है, तो बाइज क्या बन जाएगा सिंगुलर बन जाएगा। वैसे ही ये अगर वर्ब शुरू में तो प्लूरल आती है फर्स्ट फॉर्म ठीक है, अगर उसमें एस या ईएस जोड़ दोगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी, इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिएगा अ बॉय गोज, बॉय के साथ तो देखो बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर कैसे करते हैं वर्ब में प्लूरल वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं ठीक है, बेसिकली जिसमें एस या ईएस नहीं लगा रहा था उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फॉर्म में, कहीं सेकंड थर्ड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल मत करने लग जाना। Many boys, अब इसमें क्या आएगा, इसमें go आएगा, a boy goes to market, a boy goes to Delhi, a boy goes to Uttarakhand, many boys go to Uttarakhand ठीक है। अब देखो इसमें boys क्या है हमारा plural है, plural number ज्यादा है ठीक है, तो ज्यादा है तो verb भी क्या आएगी, verb भी plural वाली आएगी जो कि आई हुई है। plural कैसे करते हैं उसको वैसे ही लिख देते हैं, सिंगुलर करने का तरीका क्या होता है वर्ब को एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, जैसे ही इस वाले में बॉय क्या था सिंगुलर था, अब बॉय एक लड़का जाता है तो इसमें गोज लगा दिया, गो में एस या ईएस जोड़ दिया, गो के साथ एस तो नहीं जोड़ते ईएस जोड़ते ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। यहां पे वर्ब सिंगुलर है ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब देखना यहां पे ये नाउन है, नाउन ये क्या है सिंगुलर है, नाउन में जो सिंगुलर होता है उसमें एस या ईएस नहीं लगता, पर नाउन में जो अगर प्लूरल करना हो, नाउन का बॉयज, देखो बॉयज जो है नाउन का प्लूरल होगा, नाउन का प्लूरल है तो अगर बॉय का हमें प्लूरल करना है तो हमें एस जोड़ना पड़ेगा,
नाउन के केस में, अगर नाउन के केस में, नाउन के केस में एस या ईएस जोड़ के प्लूरल किया जाता है, ये दोनों देखो उल्टे हैं। वर्ब के केस में एस या एस जोड़ के क्या किया जाता है, वर्ब को सिंगुलर किया जाता है। नाउन के केस में उल्टा हो रहा है, वर्ब नाउन के केस में क्या हो रहा है, एस या एस जोड़ के प्लूरल हो रहे हैं। जैसे बॉय था, बॉय सिंगुलर था, और नीचे हमने बॉयज कर दिया, ये प्लूरल बन गया। ठीक है, वर्ब के केस में उल्टा होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर ऑब्जेक्ट आए तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज्यादा मिनट की होने वाली है, हो गई है। ठीक है, तो इसको ज्यादा ना बढ़ाते हुए, बढ़ गई है जो कि, इसका थोड़ा सा पार्ट छूटा है, इसको हम इसके बाद वाली वीडियो में कर लेंगे। किसी को भी कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो मैं कल लेके आ जाऊंगा उसके नेक्स्ट डे। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अंकित सिंह सा सॉन्ग वर्क डूइंग को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डूइंग क्या होता है, किसी के द्वारा किसी कार्य का किया जाना। बीइंग क्या होता है, किसी का कुछ होना, इसमें एक्शन नहीं होता, डूइंग में एक्शन होता है, हैपनिंग में भी एक्शन होता है, पर हैपनिंग में एक्शन होता है पर उसको कोई परफॉर्म नहीं करता। इतना हम पढ़ चुके हैं, ये तो पहले का है। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ गए, अगर ऑब्जेक्ट आए तो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो वर्ब इंट्रांजिटिव। कितनी कहानी क्लियर है, केवल इस वाले में ट्रांजिटिव हो रही है। अब कोई वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव ही होती है हमेशा, कोई वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होती है, इसका हम, इसको हम थोड़ा डिटेल में अगली वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। वो थोड़ी सी रहेगी, इसका थोड़ा सा पोर्शन है, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर लेंगे उसका बेसिक। ठीक है, अभी ये इनका खत्म नहीं हो गया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव खत्म नहीं हो गए हैं, मतलब इनका जो रूल वगैरह है, जो इनकी मेन मेन चीजें है, अभी तो हम थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।